मोशा भी क्या गजब ढा रहे हैं, 75 पार वाले नेताओं के टिकट काटे जा रहे हैं। मुरली मनोहर जोशी का टिकट कट गया, लाल के शंडवाणी को भी इस बार मौका नहीं मिला, बाबूलाल गौर को भी हो गई मनाही। साफ तौर पर इस बार 75 पार वाला पैमाना जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमारी ताई जो काफी दिन से इंतजार कर रही थी, 8 बार से सांसद हैं इंदौर की, साथ में लोकसभा अध्यक्ष भी थी, काफी मधुर संबंध थे मोदी और शाह से, ये मान के चल रही थी कि उनका टिकट तो पक्का होगा, लेकिन मोशा ने उनको भी नहीं छोड़ा। काफी असहज थी, कई दिन से इंतजार कर रही थी कि किसी न किसी लिस्ट में उनका भी नाम शामिल नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिरकार ताई ने परेशान होकर आज एक खत लिख दिया, लेकिन आश्चर्य की बात ये खत मीडिया को दिया गया है, ना कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को। काफी चौंकाने वाला है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ वजह हो सकती है। संजू, आज एक खत आया, किसका है और उसका मजमून क्या है? आज जो खत आया है वो ताई ने लिखा है, सुमित्रा महाजन ने, और वो भी मीडिया को। कहीं ना कहीं इससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ताई ने पार्टी हाईकमान से पहले भी संबंध में चर्चा की होगी, लेकिन पार्टी हाईकमान से कुछ फैसला नहीं आने पर या संतुष्ट नहीं होने पर ही उन्होंने मीडिया को खत लिखा और मीडिया के द्वारा ही पार्टी को समझाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। दबाव की राजनीति कहा जा सकता है, जैसा कि सज्जू कह रहे हैं कि लगातार उन्होंने कोशिश की, लेकिन जब कोशिश कामयाब नहीं हुई इसके बाद आखिरकार वह खुलकर सामने आ गए। जो भी पत्र आपने देखा है, जो भी घोषणा है वो सही है, बहुत सोच समझ के मैंने ये घोषणा की है, क्योंकि कई दिनों से महसूस भी कर रही थी, सोच रही थी, निर्णय लेने में जो देरी हो रही थी, केंद्र हमारा निर्णय नहीं ले पा रहा था ऐसा मुझे लगा, तो ऐसा लगा कहीं संकोच में अगर वो निर्णय लेने में देरी कर रहे हैं कि ताई को कैसे कहें, ऐसा भी हो सकता है। और जो भी उनके, मैं जो यहाँ वहाँ से सुन रही थी 75 की कैटेगरी, उसमें भी मैं आ गई हूँ अब तो, और इसलिए आज मुझे ऐसा लगा कि कल नया साल है, नए साल में निर्णय नया अगर अच्छा लेना हो तो हमारी पार्टी के केंद्र में जितने भी लोग हैं वो केंद्रीय चुनाव समिति को कोई दिक्कत नहीं जाए। लेकिन यदि हम इंदौर की सियासत की बात करें तो इंदौर की सियासत इस बार इस चाय की तरह काफी गर्म है, क्योंकि सत्यनारायण सत्तन जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के और बड़े कवि भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि यदि इस बार फिर से ताई को टिकट मिलता है तो वो खुलकर मुखालफत करेंगे। आखिरकार बीजेपी दबाव में भी आ गई ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन कुछ और समीकरण भी हैं। मेरे सहयोगी उमेश भारद्वाज इंदौर से ये कुछ और बता रहे हैं, इनकी भी सुन लीजिए। सुमित्रा महाजन ने एक लेटर लिख के राजनीति में भूचाल ला दिया हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये भाजपा की एक रणनीति का हिस्सा है। इस लेटर को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सुमित्रा महाजन ने ये नहीं कहा है कि वो टिकट अगर उन्हें मिलता है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने संगठन पर ये फैसला छोड़ा है। हालांकि फिलहाल सुमित्रा महाजन का नाम अगर सामने नहीं आता है तो इसके पीछे भी कोई बड़ी राजनीति भाजपा यहां पर देख सकती है या ला सकती है। उमेश जो कह रहा है वो काफी चौंकाने वाला है, कहा जा सकता है कि शायद ये भी एक समीकरण हो सकता है। आखिरकार मोशा के मन में क्या है यह तो कोई नहीं जान सकता, क्योंकि इस बार चुनौती भी काफी है बीजेपी के सामने, करो या मरो जैसी स्थिति है। तो इंतजार करिए आप भी हमारे साथ कि आखिरकार इस बार होता क्या है, क्या पब्लिक ताई के लिए ताली बजाती है या फिर ताई खुद घर में बैठी बैठी अपने लिए ताली बजाती रह जाती है। जाहिर तौर पर उफ होगी, लेकिन किसके साथ कुछ दिन बाद साफ होगा।